हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं हूं आपका दोस्त विक्की। तो आपका एक और वीडियो में स्वागत है। तो दोस्तों, आज मैंने एक्चुअली जो कल की वीडियो है वो आज डालूंगा, मतलब जो शनिवार को मैं काम पे गया था। आज है संडे, तो कल रात को मैं आ गया था यार, बहुत मतलब ज़्यादा थकावट हो गई थी, तो इसलिए मैं वो वीडियो कल डाल नहीं पाया, तो आज डालूंगा। तो कल मेरे साथ क्या क्या हुआ और कैसे कैसे पैकेट मिले मैं आपको दिखाऊँगा। एक पैकेट तो ऐसा दे दिया कस्टमर ने बाइक पर, मतलब मैं अभी आपको वीडियो में दिखाऊँगा, फ़ोटो भी दिखाऊँगा उसकी। मतलब कस्टमर दे देता है, अगर मैंने उनसे बोला कि भाई, क्योंकि पहला ऑर्डर मैंने लिया था यहाँ से फरीदाबाद से मेरे को मिला था ये आपका पीतमपुरा का। तो पीतमपुरा में गया, पीतमपुरा का ऑर्डर मैंने उठाने गया था, पिकअप करने गया था, तो कस्टमर ने ऑर्डर इतना बड़ा दे दिया। मैंने बोला भैया ये ऑर्डर मैं नहीं लूँगा, तो ये आप कैंसिल करवा दो। तो उसने कहा कि भाई हमारा तो रोज़ का है, रोज़ जाते हैं। यार ये कौन से कस्टमर है जिनके ऑर्डर ऐसे रोज़ जाते हैं? कस्टमरों के लिए तो ये एक आम बात हो गई है, कुछ भी मतलब कोई ऑर्डर अगर ऐसा है बता दो ना, ये ऑर्डर बड़ा है हम नहीं लेके जाएंगे, बहुत बड़ा ओवर साइज़ है। तो कस्टमर के सिर्फ एक ही बात आती है, ये तो हमारा रोज़ जाता है। अब यार ये रोज़ जाने वाला यार कैसा ऑर्डर है ऐसा, मतलब इतने बड़े बड़े ऑर्डर कौन लेके जाता है रोज़? तो फिर मैंने बोला ऑर्डर कैंसिल कर दो, तो वो कैंसिल नहीं कर रहा था। तो मैंने जब भी फ़ोटो वगैरह भी खींची थी, तो फिर मैंने कस्टमर केयर से बात करी, तो कस्टमर केयर ने मेरे से बोला सर हम ऑर्डर तो कैंसिल कर देंगे पर आपकी आईडी 7 दिन के लिए सस्पेंड हो जाएगी। मैंने उनसे बोला देखिए ये ऑर्डर काफ़ी ज़्यादा बड़ा है, और मतलब उस ऑर्डर देखने बड़ा था लेकिन उसमें वेट मैक्सिमम 3 kg था, बस 3 किलो, इससे ऊपर नहीं था, क्योंकि वही थे दिवाली वाली का टाइम आ रहा, तो उसके कुछ डब्बे थे काजू थे उसमें, अखरोट थे उसमें, लेयर चढ़ रही थी गुड़ की, तो इतने इतने से अखरोट थे इतने बड़े बड़े डब्बों में, तो वही था, बाकी इसमें 3 किलो ही वेट नहीं था। तो यार ये कस्टमरों को एक तो ये चीज़ जो हर कस्टमर ने रट ली है कि भैया ये तो हमारा रोज़ ही जाता है, तो यार ये रोज़ का क्या हिसाब किताब है समझ में नहीं आता उनका, मतलब कैसे ऑर्डर करते हैं, क्या करते हैं, सच बोल रहे हैं झूठ बोल रहे हैं हमें नहीं पता। अगर आप लोगों के साथ भी ऐसा हुआ तो यार मेरे को कमेंट्स करके ज़रूर बताना। तो चलिए दोस्तों, पहले मैं आपको कल की वीडियो दिखाता हूँ सारी। तो हेलो फ्रेंड्स, मैं हूँ आपका दोस्त विक्की, आप देख रहे हैं मेरे चैनल दिल्ली डिलीवरी बॉय, आपका एक और वीडियो में स्वागत है। तो दोस्तों, आज मैं पोर्टल में ऑनलाइन हुआ हूँ, तो पहला ऑर्डर तो मैंने कंप्लीट कर दिया है, फरीदाबाद में देना था, तो फरीदाबाद में देके दूसरा ऑर्डर मैंने फरीदाबाद से लिया। और इसमें दिक्कत क्या आई, पहले तो आप ऑर्डर देखो, यह है वो ऑर्डर, और मैंने कस्टमर केयर से बोला कि ये ऑर्डर मतलब पहले कस्टमर से बोला भैया ये ऑर्डर कैंसिल कर दो, ये ऑर्डर जाएगा नहीं। तो कस्टमर बोला भाई हमारा तो ये रोज़ का है, रोज़ जाते हैं। यार सब कस्टमरों के पास एक ही बहाना है कि भाई हमारा ये ऑर्डर रोज़ जाता है। भाई कैसे रोज़ जाता है यार ये ऑर्डर, मतलब कैसे रोज़ चले जाते, कौन बंदे हैं ऐसे ऑर्डर? फिर मैंने कस्टमर केयर से बात करी, तो वो कह रहे भैया ये ऑर्डर आपको डिलीवर करना पड़ेगा। मैंने बोला मैम ये ऑर्डर एक्चुअली काफ़ी बड़ा है, ओवर साइज़ है, और ऐसी ऐसी बात है। तो बोले ऑर्डर कैंसिल कर देंगे पर आपकी आईडी 7 दिन के लिए सस्पेंड हो जाएगी। तो यार मजबूरी में मेरे को ये ऑर्डर लेके जाना पड़ रहा, वरना मैं ऑर्डर कैंसिल कराता जरूर ये। तो यही था, और ऑर्डर में कोई ज़्यादा वेट नहीं है, मैक्सिमम 3 किलो का होगा, बस 3 से 3.5 किलो, तो इतना ज़्यादा वेट है नहीं। तो दोस्तों ये देख लीजिए, यही है वो ऑर्डर, अब ये देखो कितना बड़ा ऑर्डर, 3 बॉक्स हैं ये, 1, 2, 3, तो ये 3 बॉक्स है और तीनों को लेके जा रहा हूँ मैं। तो दोस्तों ये देख सकते हैं, ये है, आज है संडे और मैं अभी भी ऑनलाइन हूँ। और ये मैं ऑनलाइन क्यों हूँ, ये ऑनलाइन मैं इसलिए हूँ क्योंकि मेरे को आज दो दो जगह जाना है, एक जाना है दिलशाद गार्डन इसलिए जाना है क्योंकि मेरे को वहाँ किससे पैसे लेने हैं, और दूसरा जाना है मेरे को रोहिणी सेक्टर 20, मामा के यहाँ पे जाना था मेरे को। अगर वहाँ से वहाँ का मिल जाए तो मैं मामा के यहाँ पर चला जाऊँ, क्योंकि आज वहाँ पार्टी वगैरह है तो वहाँ बुलाया था, तो इसलिए मैं आज ऑनलाइन हूँ, वरना संडे को मैं ऑनलाइन होता नहीं हूँ। तो और ये देख सकते हैं, ये मेरे जो ऑर्डर पेंडिंग चल रहे हैं, एक्चुअली कल जो मैंने ऑर्डर दिया था, लास्ट ऑर्डर दिया था मैंने पटेल नगर साउथ में,
तो वहाँ से ऑर्डर देने के बाद ये ऑफलाइन नहीं हुआ, मैं इंडिया गेट तक आ गया था। इंडिया गेट तक इतने ऑर्डर बज रहे थे, आप देख सकते हो 10 ऑर्डर मिस। और ये 10 ऑर्डर में से एक भी ऑर्डर मैंने इसलिए नहीं उठाया क्योंकि ये सारे ऑर्डर मेरे को, मतलब मैं जा सीधा रहा हूँ लेकिन बैक साइड के पीछे के मिले थे, जैसे कि रोहिणी, रिठाला या फिर उल्टा और हो गया उत्तम नगर, जनकपुरी, ये यहाँ के ऑर्डर मिल रहे थे, तो इसलिए मैंने इनमें से एक भी ऑर्डर नहीं उठाया। अगर मैं जहाँ जा रहा हूँ उस तरफ रास्ते के मिल जाते तो मैं एक आध ऑर्डर उठा भी लेता। और इसलिए ये 10 ऑर्डर पेंडिंग दिखा रहा है, और बाकी एक आध गाज़ियाबाद का ही बजा था इसमें। तो चलो बाकी मैं आपको कल की अर्निंग दिखाता हूँ। ये खोला, ये अर्निंग पे गए, तो ये कल थी 16 तारीख, तो कल ये देखिए मैंने 3 ट्रिप कंप्लीट करी है, और 3 ट्रिप में आप देख सकते हैं, जो पहली ट्रिप मेरे पास आई थी 12:36 पे, दूसरी ट्रिप आई थी 3:29 पे, और जो लास्ट ट्रिप आई थी वो आई थी 5:50 पे। तो ये मेरा जो कल का काम हुआ है ये हुआ है 565 रुपये का, जिसमें से मेरा 130-140 रुपये का तेल लगा है, मतलब 400 रुपये कल मेरे को बचे समझ लो ये। तो ये आप देख सकते हैं, ये था मेरा कल का सारा, मेरी सारी अर्निंग वगैरह जो भी आप देख रहे हैं, और 3 ऑर्डर कंप्लीट करे हैं, और 9 घंटे मैंने इसमें ऑनलाइन रहा हूँ। तो दोस्तों ये देख सकते हैं, बाकी आज संडे है और आज का तो अभी तक कुछ नहीं हुआ क्योंकि अभी मेरे को जाना है, या तो रोहिणी का मिल जाए या मैं सोच रहा हूँ शाद गार्डन का मिल जाए, पर मैं सोच रहा हूँ पहले मेरे को दिलशाद गार्डन का मिलना चाहिए ताकि मैं वहाँ से उस बंदे से पैसे लेके फिर मेरे को वहाँ से चाहे रोहिणी का मिल जाए, पंजाबी बाग का मिल जाए, मतलब रोहिणी के आसपास का कहीं का मिल जाए, वहाँ का मिल जाए, फिर मैं वहाँ से रोहिणी चला जाऊँ मामा के यहाँ, फिर वहाँ से घर आएंगे मम्मी को लेके। तो दोस्तों ये देख सकते हैं, ये था मेरा कल का काम, 565 रुपये, जिसमें से 130-140 का तेल लगा है, और 3 ट्रिप मैंने कंप्लीट करी है। बाकी आज अभी तक तो कुछ है नहीं, बाकी बैठे हैं आगे, अभी 11:30 हो रहे हैं, तो देखते हैं आगे क्या होता है। तो दोस्तों ये थी मेरी सारी कल की जो मेरी वीडियो थी, कल एक्चुअली मैंने 3 ही ऑर्डर मारे थे, और ऐप आप देख रहे हो, ये ऐप ना एक्चुअली कल ऑफलाइन ही नहीं हुआ, जब मैंने 3रा ऑर्डर दिया था पटेल नगर साउथ में, वहाँ पटेल नगर साउथ में बत्ती के पास ही है सरगम इलेक्ट्रॉनिक्स, तो मैं सरगम पे ही दिया था, तो वहाँ देखे वो ऑफलाइन ही नहीं हुआ, मैं काफ़ी कनॉट प्लेस तक आ गया, इंडिया गेट तक आ गया, ऑफलाइन ही नहीं हुआ, और ऑर्डर बजे जा रहे। अब ऑर्डर कैसे बज रहे हैं, मैं जा रहा हूँ इधर, अब वो एक बज रहा पीछे का ही, रिठाला विठाला ऐसे बज रहा ऑर्डर बज रहा, अगर रस्ते का मिलता तो मैं उठा भी लेता। रिठाला के मिल रहे हैं, जनकपुरी के मिल रहे हैं, उत्तम नगर के मिल रहे हैं, अभी भैया एक इधर जाना है और एक इधर जाना है, तो मैं जा तो इधर रहा हूँ तो इधर के ऑर्डर एक भी नहीं मिला, मतलब मेरे को अपने रास्ते का ऑर्डर एक भी नहीं मिला, और रात हो रही थी तो इसलिए मैंने कोई भी ऑर्डर नहीं उठाया, और ऑफलाइन भी नहीं हो रहा था। और फिर मैंने क्या करा, ऐप को अनइंस्टॉल करा, फिर घर पे आके फिर इंस्टॉल करा ऐप को, तो कल बहुत दिक्कत हुई थी। तो ये थे दोस्तों कल की मेरी अर्निंग सारी जो कि मैंने आपको दिखाया, और जो मेरी गाड़ी जो चली है 80 किलोमीटर चली है कल, और 80 किलोमीटर में मुश्किल से आपका 130-140 रुपये का तेल लगा होगा, बस इससे ज़्यादा नहीं। तो दोस्तों यही था आज की इस वीडियो में, तो उम्मीद करता हूँ वीडियो आपको पसंद आई हो, अगर वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, और बेल आइकन को प्रेस करें ताकि मेरे आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। तो दोस्तों इस वीडियो को यहीं एंड करते हैं, जय हिंद, वंदे मातरम।